तो दोस्त इस वीडियो में हम फिर से इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ रिसेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुबोधी एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फ़ैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। तो दोस्त एएफसी एंड फीफा के जो ज्वाइंट डेलीगेशन जून 11 से जून 14 के बीच इंडिया में आना था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन एंड एआईएफएफ के करेंट स्टेटस को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए अर्लियर ये टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया था और हमने इस पर वीडियो भी लाया था आप सबके लिए। तो ये डेलीगेशन अब जून 11 से 14 के बीच नहीं, थोड़ा डिले करके जून 20 से 24 तक इंडिया में विजिट करेगा एंड कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ फेस टू फेस मीटिंग किया जाएगा। एंड डॉक्टर एस वाई कुरेशी ने ये बताया है कि दे डोंट वांट एनी मिसकंसेप्शन इन फीफा एंड एएफसी रिगार्डिंग दिस इशू, सो दे विल मेक एवरीथिंग क्लियर टू द डेलीगेशन। तो इनमें टोटल 3 मेंबर्स होंगे, 2 फ्रॉम एएफसी एंड 1 फ्रॉम फीफा। तो 2 एएफसी मेंबर में से एक होंगे एएफसी के जनरल सेक्रेटरी दातुक सरी विंटसर्जन और एक होंगे डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी वाहिद कार्देनी, और फीफा के मेंबर में से होंगे फीफा के सीनियर मैनेजर सारा सोलेमेली इंचार्ज ऑफ मेंबर एसोसिएशन, और डेलीगेशन को एएफसी के जनरल सेक्रेटरी दातुक सरी विंटसर्जन द्वारा लीड किया जाएगा। तो फीफा और एएफसी के इस ज्वाइंट टीम के विजिट को डिले करने के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है कि द गवर्निंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल वांट्स ए वेरी हाई लेवल ऑफिशियल्स टू विजिट इंडिया टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेरी क्लोजली एंड इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया। सो होप कि फीफा और एएफसी के इस ऑफिशियल्स के साथ सीओए ऑफिशियल्स के मीटिंग बहुत फ्रूटफुल हो पाए एंड पॉजिटिव आउटकम इज एक्सपेक्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के एक ऑफिशियल डॉक्टर एस वाई कुरेशी ने यह भी बताया है दोस्त कि जुलाई 15 से पहले एआईएफएफ का फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट कर दिया जाएगा एंड बाय द जुलाई 21st देयर विल बी अप्रूव्ड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एआईएफएफ, देन इलेक्शन विल टेक 6 to 8 weeks मोर, बाय द सेप्टेम्बर 2022 देयर विल बी न्यू इलेक्टेड कमिटीज इन द पोजिशन ऑफ एआईएफएफ। तो दोस्त सीओए द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को इंडियन फुटबॉल के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। डॉक्टर एस वाई कुरेशी के ट्विटर हैंडल पे इसका लिंक अवेलेबल है, तो आप सब इस ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं और अगर आपका कोई भी सजेशन या फिर ऑब्जेक्शन होगा किसी भी आर्टिकल को लेकर सो यू कैन सबमिट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दैट ट्वीट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट का एक डाउनलोडेबल लिंक और उस ट्वीट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट यू ऑल कैन चेक इट। एंड देन अपडेट नंबर 3 है दोस्त कलकत्ता के लेगेसी क्लब ईस्ट बंगाल को लेके। तो कुछ दिन पहले ईस्ट बंगाल का न्यू इन्वेस्टर डिक्लेयर हुआ इमामी ग्रुप, बट उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि दे आर नॉट इन एनी टॉक्स फॉर ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फुटबॉल, और ये स्टेटमेंट जानबूझ के दिया गया था क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बात है ये इंडिया के वन ऑफ द स्पोर्ट्स आइकॉन सौरभ गांगुली ने कन्फर्म किया था, तो ये तो जस्ट एक र्यूमर कभी नहीं हो सकता है। सो इसीलिए ईस्ट बंगाल के अंदर से ये न्यूज़ पता चल रहा है कि ऑल द कंसर्निंग पार्टी इंक्लूडिंग ईस्ट बंगाल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, इमामी ग्रुप एंड देयर लीगल टीम ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू रीच टू ए फाइनल कंक्लूजन एंड मेक थिंग्स पॉसिबल। तो नेक्स्ट जून के 10th टू 15th तक एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा। तो ये था कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स इंडियन फुटबॉल के। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।